हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अगेन शेयर करने वाली हूँ अपना समर शॉपिंग हॉल। सो ये होने वाला है अगेन समर से रिलेटेड, थोड़े फ्लोई जो आप समर्स में पहनना पसंद करते हो। यस, विदाउट फर्दर अडू लेट जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अच्छा मुझे लास्ट वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप इतने लूज कपड़े क्यों मंगवा रहे हो। सो गाइज, आई वियर स्मॉल साइज और इधर आई वियर जो ज्यादा फ्लोई कपड़े होते हैं उनमें मैं एक्स्ट्रा स्मॉल पहनती हूँ एंड आई स्टिल वेयर दैट। अभी मैं आपको दिखाती जाऊंगी कौन सा साइज मैंने मंगवाया है, टैग में जो साइज नंबर लिखा रहता है। दीज आर द क्लोथ्स, इनको फ्लोई क्लोथ्स बोला जाता है, जो समरी क्लोथ्स होते हैं ये आते ही इस पैटर्न में, इनका पैटर्न ही ये है, दैट्स वाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ड्रेस। जो सबसे फर्स्ट ड्रेस मैंने मंगवाई है वो है ये बहुत ही प्यारा सा ऐसे समर कलर है। लुक एट द कलर, कलर इज वेरी प्रिटी, मतलब एकदम ऐसे स्काई ब्लू हल्के हल्के से पिंक के उसमें छोटे छोटे से फ्लावर्स बने हुए हैं एंड वेरी प्रिटी कलर। स्लीवलेस है ये एंड This is from the brand Janaisa. मैं अपना साइज आपको दिखा देती हूँ। So I am in the size S. तो स्मॉल साइज मैंने मंगवाया है। अगेन द पैटर्न इज वेरी फ्लोई एंड मैक्सी ड्रेस है ये, एकदम लॉन्ग। आप चाहे तो बीच में बेल्ट लगा सकते हैं या जैसे आपको कैरी करना हो वैसे कैरी कर सकते हैं। आई रियली लाइक इट, दो द फैब्रिक इज नॉट कॉटन बट स्टिल इज वेरी फ्लोई, वेरी एयरी एंड बहुत अच्छा लगा मुझे ये ड्रेस। तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट और काफी अफोर्डेबल मिल गया था। इसका जो एक्चुअल प्राइस है ना वो है 2398 और ये मुझे 700 रुपीज में मिला है। नाउ कमिंग टू माई सेकेंड प्रोडक्ट इज दिस ब्यूटिफुल ड्रेस बाय ओनली। इसका जो साइज है, दिस इज द साइज 36, जिसका मतलब होता है इट्स इन द स्मॉल साइज। तो बहुत ही ब्यूटिफुल सा ऐसे बेज कलर का ड्रेस है। वैसे आई डोंट लाइक वेयर लॉट ऑफ बेज एंड व्हाइट्स और इस तरीके के, मैं नहीं कलर्स पहनना पसंद करती हूँ, बट आई स्टिल लाइक दिस कलर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत स्मार्ट लग रहा था ये ड्रेस। तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे इलास्टिक दिया हुआ है यहाँ पे। आई थिंक यू कैन वेयर दिस एज अ फॉर्मल ड्रेस एज वेल, आप इसको फॉर्मली भी पहन सकते हो। तो मुझे काफ़ी स्मार्ट लगा ये और पहनने के बाद भी ये बहुत अच्छा लग रहा था। सो दिस इज माई सेकेंड पीस। ये दिस इज नॉट कॉटन एक्चुअली, ये ब्लेंडेड कॉटन होता है ना उस तरीके का है। उसके बाद कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस रस का, RAS रास है या रस है पता नहीं क्या है इसका, लग्जरी मिनिएचर ऑयल है ये। सो दिस इज बेसिकली लिप बाम। मुझे कुछ ऐसे हर्बल नेचुरल लिप बाम चाहिए थे, लिप बाम नहीं बोलूंगी मैं, लिप ग्लॉस चाहिए थे एक्चुअली में मुझे। तो कुछ एक दो लिप ग्लॉसेस मैंने पहले भी मंगवाए हैं बट उनकी स्मेल और जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे इतनी इरिटेटिंग लगती है कि मैं उसको लगा नहीं पाती हूँ प्रिफर। तो इस ब्रांड के बारे में मैंने सिर्फ सुनना ही रखा था, कभी यूज नहीं किया था। तो ऐसा बोला जाता है दिस इज फार्म टू फेस स्किन केयर और मैंने काफी अच्छे रिव्यूज देखे थे इवन नायका पे भी इसके। तो मैंने ये से मंगवाया, मिनिएचर्स मंगवाए हैं। मैं अपने लिप्स पे आपको लगा के बताती हूँ, ये चार शेड्स में आते हैं, पास से आपको शेड्स दिखा देती हूँ। सो दीज आर द शेड्स। अभी मैं इसके ऊपर आपको ये मॉव वाला जो शेड है ना ये लगा के बताती हूँ। सो लुक एट दिस, आई रियली लाइक इट। स्टेइंग पावर की बात करें, मैं इसको लगा करके काफी बार चेक कर चुकी हूँ, तो अगर इसकी स्टेइंग पावर की बात करते हैं तो 1-1.5-2 घंटा हार्डली चलता है अगर आपने पानी और कुछ खाया पिया नहीं है तो। बट ये जो कलर्स है ना ये हल्का सा कलर छोड़ के जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपके लिप्स से साफ हो जाता है, आपके लिप्स पे थोड़े थोड़े से कलर्स ये डेफिनेटली छोड़ के जाता है, विच आई लाइक इट। मतलब मुझे बाई फार अभी तक पसंद आया ये, बिकॉज जो केमिकल्स वाले लिप ग्लॉस आते हैं मार्केट में उनकी स्मेल बहुत अजीब होती है और मुझे लिप्स पे भी बहुत अजीब इफेक्ट लगता है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आई रियली लाइक इट। कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ड्रेस जो मैं पहनी हुई हूँ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द कलर, आई रियली लव दिस कलर, गोल्डनिश येलो प्लस मस्टर्ड कलर मिक्स जो कलर होता है मुझे बहुत पसंद है। लुक एट दिस ड्रेस, पिक्चर डाल दूंगी यहाँ पे कैसी लग रही है और मैं पहनने के बाद इस पर कैसी लग रही हूँ। तो ऐसे फुल गाउन नहीं है ये, 3/4 स्टाइल में है, हाई लो पैटर्न में, पीछे से लॉन्ग है आगे से थोड़ा शॉर्ट है, बट कलर की वजह से ये इतनी सुंदर लग रही है। ऑल्दो मैंने ये स्मॉल साइज में मंगवाई है बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये रिटर्न करके एक्सचेंज करके एक्स्ट्रा स्मॉल मंगवानी चाहिए क्योंकि अभी भी मुझे ये थोड़ी सी लूज लग रही है हर जगह से। सो यस, दिस इज माय नेक्स्ट पीस एंड आई रियली लव दिस, मतलब कलर की वजह से आप किसी भी सीजन में इस कलर को पहनिए, इतना सुंदर कलर लगता है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पीस पे, तो मैंने एक कॉट सेट मंगवाया है, एकदम प्योर कॉटन का कॉट सेट है, बहुत ही स्मार्ट पीस है। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड डिबाको एंड इन द साइज स्मॉल। सो दिस इज द कॉट सेट, ये इसका ऊपर का है, अपर है ये एंड यहाँ से कमर से ना सिर्फ फ्लोई है। तो अगर आपका हल्का सा भी जैसे होता है ना थोड़ा सा बेली फैट, तो आई थिंक सभी इंडियन वेमेन को रहता है, मोस्टली लोगों को होता है अगर आप लीन नहीं है तो हल्का सा अगर आपको
बेली फैट वगैरह कुछ है वो आपको हाइड करना है, तो इस तरीके के ड्रेसेस ना बहुत सही रहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट इसका जो बॉटम है वो ये है, प्लाजो स्टाइल इसका बॉटम है जो कि काफ़ी स्मार्ट लगता है, मतलब ये पूरा पीस पहनने में बहुत स्मार्ट लगता है। मुझे ऐसे हल्का सा लगा था लुक, ऐसे नाइट सूट टाइप का इफेक्ट तो नहीं दे रहा है, बट अगर आप अच्छे से स्टाइल करोगे ना इसको, लाइक अच्छे से शेड्स वेड्स पहन के और अच्छे से हैंड बैग वगैरह कैरी करके, तो यू कैन डेफिनेटली पुल आउट दिस लुक एज वेल। सो ये है मेरा नेक्स्ट पीस। सो येस गाइज, दैट्स इट फॉर द प्रोडक्ट। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, तो आप चेक जरूर करिएगा एंड ट्राई जरूर करिएगा, और मुझे बताइएगा जरूर कि आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।